सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट बांग्लादेश की तरफ से है। आप में से कई लोग मुझे बहुत सारे लिंक भेजते हैं कि बांग्लादेश के यूट्यूबर्स इंडिया के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं और उनको आप कुछ रिप्लाई कीजिए। आप जो वीडियो सजेस्ट करते हैं मैं उनमें से बहुत सारे वीडियो देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं देता हूं क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आता है। अब इस वजह से मैं कोई रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। लेकिन आज बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसी हरकत की गई है जिस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर एक तरह से अभी सीज फायरिंग का उल्लंघन किया गया है और बांग्लादेशी ट्रूप्स की तरफ से की गई फायरिंग की वजह से हमारा एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान घायल हुआ है। ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है कि पिछले कई दशकों से हमारे और बांग्लादेश के बीच कभी भी फायरिंग एक्सचेंज नहीं हुआ था और अभी जो हादसा हुआ है ये और बदतर बनने से पहले इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं अपने भाषा में कहूँ तो बांग्लादेशी ट्रूप्स के तरफ से अभी जो कायराना हरकत की गई है ये आज तक किसी भी देश की आर्मी के द्वारा नहीं किया गया था। और आप सबको जानकर हैरानी होगी कि जब बांग्लादेशी ट्रूप्स ने इंडियन ट्रूप्स के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया था तो उन दोनों के बीच फ्लैग मीटिंग चल रही थी। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि बांग्लादेशी ट्रूप्स ने कुछ इंडियन मछुआरों को पकड़ रखा था जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मछली पकड़ रहे थे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो लोग बीएसएफ से परमिशन लेकर आगे गए थे। अब इतने में जब इंडियन मछुआरों को बांग्लादेशी ट्रूप्स ने पकड़ रखा था तो उनको छुड़ाने के लिए बीएसएफ की टीम गई थी जिसमें 6 मेंबर थे। अब जब दोनों टीम के बीच आपस में बातचीत चल रही थी उतने में बांग्लादेशी ट्रूप्स की तरफ से अचानक बीएसएफ के जवानों के ऊपर AK-47 से गोली चलाना शुरू कर दिया गया था। उनमें से एक गोली हेड कांस्टेबल विजय भान सिंह जी के सर पर लगी थी जिस वजह से उनकी तुरंत मौत हो गई थी, और दूसरी गोली कांस्टेबल राजवीर यादव जी के हाथ में लगी थी लेकिन इसके बावजूद भी वो तुरंत ही अपने बोट को इंडियन साइड में ले आए थे। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं था कि फायरिंग एक्सचेंज किया जाए और बातचीत की टेबल पर गोली चलाना कायरों का काम है। चाइना की बात करें तो डोकलम जैसे सिचुएशन में भी चाइना और इंडिया दोनों की तरफ से एक भी गोली चलाई नहीं गई थी। पाकिस्तान की बात करें तो हमारे बीच करीब 70 साल की दुश्मनी और बॉर्डर पर हर रोज सीज फायरिंग का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन आज तक कभी भी फ्लैग मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी ट्रूप्स की तरफ से इस तरह की घटिया हरकत नहीं की गई है। माना कि हमारे बीच गंदी वाली दुश्मनी है लेकिन पाकिस्तान अपनी दुश्मनी ईमानदारी के साथ निभा रहा है। हमें पता है कि वो हमारे दुश्मन है और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दोस्त बनने का दिखावा करते हुए पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं उनके बारे में बोलने के लिए स्पेशली हिंदुस्तानी भाव से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और आखिरी बात यह है कि एक ईमानदार दुश्मन एक बेईमान दोस्त से 100 गुना ज़्यादा अच्छा होता है, और बेईमान मक्कार और एहसान फरामोश लोगों को गालियाँ देने से भी गालियों का अपमान होता है। अगला अपडेट जगुआर एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सबको पता होगा कि हमारे जगुआर फ्लीट को अपग्रेड किया जा रहा था और इसमें अब एक नई ASR रडार के साथ साथ एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा था। इस पूरे अपग्रेडेशन प्रोग्राम को HAL के द्वारा कंडक्ट किया गया था और अभी अपडेट के मुताबिक पहली बार जगुआर एयरक्राफ्ट से एसराम मिसाइल को फायर किया जाने वाला है। आमतौर पर जगुआर एक लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है और इसमें सेल्फ डिफेंस के तौर पर जिन एयर टू एयर मिसाइल को ऐड किया गया है उनको विंग्स की अपर सेक्शन में इंटीग्रेट किया गया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि मिसाइल को नॉर्मली विंग्स के नीचे, बेली के नीचे या फिर विंग्स की दोनों साइड में इंटीग्रेट किया जाता है, लेकिन जगुआर में आपको एक अलग ही तरह की असेंबली देखने को मिलेगी। इसके पीछे वजह यह है कि जगुआर हमेशा लो अल्टीट्यूड पर रहने वाली है और इससे जो भी खतरा होने वाला है वो ऊपर से आने वाली है। ऐसे में अगर इसकी मिसाइल को विंग्स के नीचे रखने का कोशिश किया जाएगा तो इसे मिसाइल को फायर करने के लिए नोज को ज़्यादा ऊपर करना पड़ेगा, और जगुआर की इंजन भी अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो कोई कन्वेंशनल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जाकर डॉग फाइट में उलझ सके, जिस वजह से सेल्फ डिफेंस के लिए एसराम मिसाइल को इसमें ऐड किया गया है और इस मिसाइल को सिर्फ डरीन 3 स्टैंडर्ड के जगुआर्स में ही ऐड किया गया है जिनको 2034 तक हम ऑपरेट करने वाले हैं। अगला अपडेट धनुष आर्टिलरी गन्स को लेके है। इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी इंडियन आर्मी को धनुष आर्टिलरी गन की एक और बैच को डिलीवर किया गया है, और आर्मी का कहना है कि इसी साल के अंत तक धनुष गन्स की पहली रेजिमेंट तैयार हो जाएगी जिसमें 18 गन्स होने वाले हैं। धनुष गन्स की टोटल 114 यूनिट के लिए पहले ही ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है जिनमें से
पहले 5 गन्स को इसी साल के मार्च के महीने में इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया था। इन गन्स की खासियत यह है कि इनको दिन और रात में ऑपरेट किया जा सकता है। इनमें एक नेविगेशन बेस्ड साइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिस वजह से ये काफी एक्यूरेटली एम कर सकती है, और इसकी सेल्फ प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से ये खुद को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकती है, और इसको एक से दूसरे जगह पर डिप्लॉय करने के लिए कोई सेपरेट व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती है। आर्मी का कहना है कि इन गन्स को अभी वो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय करने वाले हैं। इसके साथ ही अभी इंडियन आर्मी में यूएस मेड प्रिसीजन गाइडेड अम्युनिशन को इंडेक्ट करना शुरू कर दिया गया है। ये एक कैलिबर की अम्युनिशन है जिनको फास्ट ट्रैक मोड पर खरीदा गया था, और ये नॉर्मल गोले के मुकाबले ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। ईएनएसमा एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बुधवार को एक स्पेशल एक्सरसाइज को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज के 2 फेज है, जिनमें से पहले फेज को 16 से 19 अक्टूबर तक और दूसरे फेज को 29 से 1 नवंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज के दौरान नॉर्थ ईस्ट रीजियन के सिविल एयरपोर्ट्स को मिलिट्री यूज के लिए ऑपरेट किया जाएगा, ताकि अगर कभी भी इमरजेंसी आती है तो हमारे सिविल एयरपोर्ट को भी हमारे मिलिट्री जेट को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अभी इसके लिए 6 एयरफील्ड को सिलेक्ट किया गया है, जिनमें दीमापुर, इम्फाल, गुवाहाटी, कोलकाता, पसीघाट और अंदल शामिल है। इस पूरे एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के 2 ही एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें एक SU-30MKI है और दूसरा Hawk-132 एयरक्राफ्ट है। बताया गया कि मिलिट्री और सिविलियन एयरपोर्ट से ऑपरेट करने में काफ़ी फर्क होता है, क्योंकि सिविलियन एयरपोर्ट ज़्यादा बिजी रहते हैं और इसमें इंडियन एयरफोर्स को सिविलियन एयरक्राफ्ट के साथ तालमेल बिठाकर ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक ऐसे ड्रोन को खरीदने का प्लान बनाया गया है, जिसे सर्वेलेंस के साथ साथ मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बुधवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए इंडियन आर्मी के ऑफिसियल की तरफ से बताया गया है कि इन ड्रोन्स को स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट करने के लिए खरीदा जाएगा। इंडियन आर्मी की तरफ से मंगलवार को दिल्ली कैंटोनमेंट की मानिकसा सेंटर में एक एग्जीबिशन को अरेंज किया गया था, जिसमें करीब 40 अलग अलग कंपनियों ने अपना अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया था, और उसमें से ज़्यादातर ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड थे। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से स्लो मूविंग ड्रोन्स को खरीदने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसको क्रॉस बॉर्डर थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, और स्पेशली हाल ही में हुए एग्जीबिशन के दौरान जो ड्रोन्स को डिस्प्ले किया गया था उसमें से कुछ ड्रोन्स तो ह्यूमन टारगेट को भी निशाना बना सकते थे। इंडियन आर्मी का कहना है कि उन्हें अभी ऐसे ड्रोन चाहिए जो कि कम से कम 40 केजी तक के लोड को कैरी कर सके और 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सके, और अगर ऐसा होता है तो विंटर सीजन में जब रास्ता बर्फ से ढक जाता है या फिर बंद पड़ जाता है, इनकी मदद से हाई एल्टीट्यूड में हमारे जो ट्रूप डिप्लॉयड हैं उनके पास जरूरी साजो सामान को पहुंचाया जा सके। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।